तो दोस्तों मेरे को परसों से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि मैं यहाँ पर जो है अपने होमलैंड फीचर के अंदर जो है फ़ोटो यहाँ पर ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। अचानक से मेरा फ़ोटो तो था, लेकिन जैसे ही मैंने जो है अपना घर को यहाँ पर फिर से रिक्रिएट किया उसके बाद फ़ोटो लगाने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर फ़ोटो नहीं लगा पा रहा हूँ। तो इसका क्या प्रॉब्लम हो गया, इसका सोल्यूशन क्या है वो थोड़ा सा बताओ। लिटरली मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे एंड मेरे को स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था, तो एज अ रिजल्ट उनमें से बहुत सारे लोग मेरे को ऊपर गुस्सा भी हो गए। लेकिन फाइनली उसके बाद जाकर एक बंदे ने अच्छे से मेरे को समझाया कि ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। उसके बाद मैंने बात किया एंड इन गेम भी इस चीज को लेकर एक चीज यहां पर फाइनली रिप्लाई आ चुका है कि ये एक्चुअली क्यों हुआ है, सारी चीजें यहां पर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों का होमलैंड वाला जो फीचर है उसके अंदर जो फोटो फ्रेम है वहां पर हम लोग फोटो क्यों ऐड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का इवेंट सेक्शन के अंदर आ जाना, ठीक है, पबजी मोबाइल के। उसके बाद आप लोगों का जो आप लोगों का नोटिस वाला सेक्शन है पर आ जाना एंड यहां पर ही देख सकते हो कस्टम फोटोज एंड वीडियोस मेंटेनेंस नोटिस। डियर प्लेयर, ड्यू टू सिस्टम मेंटेनेंस एंड अपग्रेड्स द ऑप्शन टू अपलोड कस्टम फोटोज और वीडियोस टू द फोटो वॉल इन होम और टू क्लब हैज बीन टेंपरेरली सस्पेंडेड। मतलब आप लोगों का क्लब जो फीचर है उसके अंदर भी आप लोगों का वीडियो अपलोड करने का जो फीचर है यह अभी टेंपरेरली बंद कर दिया गया है। ठीक है, साथ में यहां पर आप लोग देख सकते हो कि फोटो वॉल इन होम, मतलब इनकी तरफ से ऑफिशियली इस फीचर को अभी बंद कर दिया गया है। हां दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यू कैन नो अपलोड कस्टम फोटोज और वीडियोस बट फोटोज वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड विल नॉट बी अफेक्टेड। मतलब यहां पर साफ साफ बोला गया है कि अभी आप लोग न्यू तरीके से यहां पर जो है फोटो या वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाओगे। वीडियोस तो आप लोगों का वहां पर अपलोड नहीं होता है, वीडियोस मतलब आप लोगों का क्लब के अंदर आप लोग जो है अभी तुरंत से न्यू वीडियोस यहां पर अपलोड नहीं कर पाओगे, जो ऑलरेडी है वो है। एंड वैसे ही आप लोगों का होम के अंदर जो फोटोज पहले से लगाए हुए हैं वो आप लोगों का रहेगा, लेकिन न्यू फोटोज यहाँ पर ऐड नहीं होने वाला है। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है कि होमलैंड का जो फीचर है वहाँ पर आप लोगों का सिर्फ गेम एल्बम के फोटोज यहाँ पर ऐड हो रहा है कि नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा कि जो आप लोगों का सेव्ड फोटोज है, मतलब जो आप लोगों का इन्वेंट्री का मतलब खुद का जो फोटोज है वो वहाँ पर अभी सेव नहीं हो रहा है, उस फीचर को जो है अभी बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि क्यों कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट रीजन मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, दिस फीचर विल अवेलेबल अगेन वॉन्स द सिस्टम अपग्रेड इज डन, स्टे ट्यून फॉर ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑन व्हेन इट विल बी अवेलेबल अगेन। मतलब यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि ये आप लोगों का वापस आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा लेकिन वापस आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जैक्ट क्या रीजन है इसको बंद करने का वो मैं बता देता हूँ। अब देखो क्लब वाले फीचर के अंदर वीडियो बंद करने का क्या कारण है वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर होम वॉल के अंदर इसको बंद करने का मेजर रीजन है कि मैंने यहाँ पर देखा था कि एक दो लोगों के वॉल के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर न्यूडिटी टाइप का फोटोज यहाँ पर अपलोडेड था, तो एज अ रिजल्ट इसी के लिए यहाँ पर जो इस स्टेप को लिया गया है ताकि यहाँ पर जो है इस गेम के अंदर कोई आप लोगों का 18 प्लस वाला रेस्ट्रिक्शंस ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर सब कंट्री के लोग ही यहाँ पर खेलते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज के पेरेंट्स लोग भी खेलते हैं, अपने बच्चे भी खेलते हैं, तो एज अ रिजल्ट जब वो लोग देखेंगे कि ऐसे न्यूडिटी वाले पिक्चर्स यहाँ पर दिया हुआ है तो एक्चुअली वो लोग यहाँ पर गेम को अनइंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐसे पिक्चर्स को देखे। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर इस चीज़ को लेके यहाँ पर इन फ्यूचर गेम के अंदर और भी प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगा कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें यहाँ पर आए। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर इस चीज़ को लेके यहाँ पर इन लोगों ने स्टेप लिया है कि यहाँ पर जो पिक्चर्स ऑलरेडी अपलोड है उनमें से भी जो जो पिक्चर्स न्यूडिटी फैलर है उन पिक्चर्स को वो लोग रिमूव कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऑलरेडी रहेगा, जो यहाँ पर पिक्चर्स अपलोडेड है वहाँ पर से जो न्यूडिटी वाले पिक्चर्स है उनको हटा दे रहे हैं एंड जिन लोगों का पिक्चर्स ऑलरेडी है एंड वो अब लोगों का कोई भी 18 प्लस कंटेंट नहीं है, न्यूडिटी नहीं फैल रहा है, उनके होम के अंदर ये जो पिक्चर्स है वो रह जाएगा, जैसे मेरा है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, क्या आप लोगों को अभी के अभी नहीं करना है, नहीं तो आप लोगों का जो है वॉल का पिक्चर्स जो है आप लोगों का नहीं लगने वाला है। वो क्या है कि अगर ऑलरेडी आप लोगों के होम के अंदर पिक्चर्स अपलोडेड है, ठीक है, अच्छे से सुना, अगर ऑलरेडी होम के अंदर आप लोगों का फोटो फ्रेम के अंदर पिक्चर्स अपलोडेड है तो आप लोग यहाँ पर फुल घर को रिक्रिएट मत करना। ठीक है, जहाँ पर फोटो फ्रेम लगा हुआ है उस फोटो फ्रेम को लेके यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ मत करना। जैसे ही आप लोग उस फोटो फ्रेम को यहाँ पर मतलब रिमूव करोगे एंड अपने होम इन्वेंट्री के अंदर लाओगे, आप लोगों का वो फोटो जो है हट जाएगा एंड उसके बाद आप लोग जब फोटो लगाओगे तो वो अपलोड नहीं होगा। ठीक है, और एक बार बता दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर फोटो फ्रेम को यहाँ पर रिमूव करोगे वो आप लोग का इन्वेंट्री के अंदर आ जा रहा है, तो एज अ रिजल्ट जब आप लोग फिर से फोटो फ्रेम को लगाओगे उसके अंदर फोटो आप लोग का अपलोड नहीं होगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी अपलोडेड है
तो आप लोग उस फोटो फ्रेम से और कोई छेड़छाड़ी मत करना, नहीं तो आप लोग जैसे ही उसको रिमूव करोगे आप लोग का इन्वेंट्री के अंदर आ जाएगा फोटो फ्रेम, एंड फिर से आप लोग किसी जगह पे दूसरे जगह पे अगर फोटो फ्रेम को लगाओगे या फिर उसी जगह पे लगाते हो तो आप लोग फोटो उसके अंदर और अपलोड नहीं होगा। वैसे दरअसल जो ऑलरेडी अपलोडेड है उसको वैसे ही रहने दो, उसी जगह पे रहने दो, जहाँ पर है उसी के अंदर रहने दो, आप लोग छेड़छाड़ी मत करो। छेड़छाड़ी करोगे तो आप लोगों का फिर से न्यू यहाँ पर फोटो अपलोड नहीं होगा, वो चाहे वही फोटो आप लोग अपलोड करो, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ को अभी फिलहाल के लिए न्यू तरीके से अपलोड करने का जो सिस्टम है इसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर खुद का होम के अंदर मेरा ऑलरेडी फोटो अपलोडेड है, एंड यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस फोटो फ्रेम को लेकर कोई छेड़छाड़ी नहीं किया है, तो दरअसल मेरा अभी भी फोटो दिख रहा है। लेकिन अगर इनकेस मैं इस फोटो फ्रेम को अभी यहाँ पर यहाँ से रिमूव करता हूँ, मतलब अनस्टक करके मैं अपनी इन्वेंट्री के अंदर लाता हूँ एंड सोचता हूँ कि किसी दूसरे जगह पर लगाऊंगा, बस गया मेरा और उसके अंदर फोटो नहीं लगने वाला है, क्योंकि अभी आप लोगों का जो अपलोड करने का जो फीचर है, मतलब न्यू तरीके से जो आप लोगों का अपलोड करने का जो फीचर है फोटो फ्रेम के अंदर, वो अभी के लिए बंद कर दिया गया है। जो ऑलरेडी है वो है, लेकिन न्यू तरीके से आप लोगों का अपलोड नहीं होने वाला है। तो ऐसे रिजल्ट मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग फोटो फ्रेम वगैरह को लेकर छेड़छाड़ी मत करो, अगर ऑलरेडी है तो रहने दो, अगर नहीं अपलोड हो रहा है तो आप लोग अभी कुछ नहीं कर सकते, जितना चाहो जितना ट्रिक लगा लो आप लोग का अपलोड नहीं होगा, क्योंकि गेम के अंदर ऑलरेडी ऑफिशियल से बता दिया गया है कि आप लोग का अपलोड नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे रिजल्ट कोई भी उल्टा सीधा ट्रिक मत लगाना, जब ऑफिशियली ये फिक्स हो जाएगा मैं हूँ मैं वीडियो बना दूंगा। तो एज अ रिजल्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को दबा कर रखना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपको उसे नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने फेस के साथ वीडियो को शेयर कर देना, एंड एक पैसा कमेंट कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को ही रखते, तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड पीस आउट।